स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में भी रीवा और सवी का अब बहुत जल्द आमना सामना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सबने। रीवा दरअसल ईशान से मिलने इंडिया आ चुकी है और वो अब ईशान के कॉलेज भी आएगी उससे मिलने, और इन दोनों को मिलवाने का काम करेगी सवी, क्योंकि सवी नहीं जानती कि ईशान का पास्ट रीवा है और ना ही वो ये जानती है कि रीवा ही वो लड़की है जिससे ईशान पहले प्यार किया करता था। सभी तो रीवा को एक स्ट्रेंजर समझकर ईशान से मिलवाने जाएगी। दरअसल रीवा से वो कॉलेज में ही टकरा लेगी, जहाँ पर रीवा से वो पूछेगी कि आप किससे मिलना चाहते हो, मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। रीवा उसे ईशान का नाम बताएगी। तब सभी कहेगी, अच्छा तो उस चिड़िया से आप मिलना चाहते हो, चलो चिड़िया सर के पास मैं ही आपको लेकर चलती हूँ। रीवा ये सुनकर थोड़ी चौंक जाएगी। उसे नहीं पता था कि ईशान की भी कोई स्टूडेंट उसे ऐसा नाम दे सकती है, लेकिन सवी ने ये कर दिखाया है। रीवा सवी से पूछेगी भी, क्या कहा तुमने, चिड़किया? तो सवी कहेगी, हाँ और क्या, चिड़किया सर ही है उनका नाम, चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। उसके बाद सवी रीवा को लेकर ईशान के पास जाएगी और ईशान से कहेगी, ईशान सर मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ईशान पूछेगा, कौन है वो? जैसे ही ईशान पीछे की तरफ देखेगा तो वो देखेगा कि वहाँ उसका अतीत यानी रीवा खड़ी है। अब ईशान क्या करेगा, क्योंकि ईशान तो अपनी लाइफ में अब थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगा है। वो रीवा को छोड़ अब सभी के बारे में सोचने लगा है। तो फिर से इस रीवा की एंट्री हो गई। आखिर क्या होगा अब, क्योंकि अब तो लव ट्रायंगल होना बहुत ही स्वाभाविक है। यही देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।